हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। और केमिकल इंजीनियरिंग पे जो हमारे वेरियस कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इन सभी पर हम जो है वीडियोस बनाएंगे। और ये वीडियोस हम लोग हिंदी में इसलिए बना रहे हैं ताकि जो नए बच्चे आए हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, और अगर उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का जो मोस्ट बेसिक पार्ट है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम दो क्राइटेरियाज में डिवाइड करते हैं। या तो उनको हम यूनिट ऑपरेशंस में रखते हैं या फिर यूनिट प्रोसेस में रखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अब बहुत सारी हमारी प्रोसेस होती हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन है, ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन है, फिल्ट्रेशन है, फ्लूडाइजेशन है। तो इन सभी की प्रोसेस के आधार पे हम इनको दो मेनली क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेसेस। तो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस दोनों के मिलने के साथ ही हमारा फाइनली हमको जो है जो रॉ मटेरियल है उससे प्रोडक्ट मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की। सो केमिकल इंजीनियरिंग हैज़ टू डू विद इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल आर चेंज्ड टू सेपरेट इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट। सो रॉ मटेरियल जो है हमारा, जो हमने यूज़ किया, उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। जैसे उन प्रोसेस को हमने यूनिट ऑपरेशन और प्लस यूनिट प्रोसेस में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट ऑपरेशन क्या है। सो यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व अ फिजिकल चेंज सच एज सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड देर इज नो केमिकल रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेपरेशन होगा, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्जन हो सकता है, बट वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो नया कंपोनेंट है वो फॉर्म नहीं होना चाहिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे कि हम इवोपरेशन का केस लेते हैं कि वाटर है हमारा, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है H2O, वही सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, बट वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म पे या लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा यूनिट ऑपरेशन में आएगा। हमारा जैसे सेपरेशन है, तो हमने जो है एक केस ले लिया, जैसे ऑयल प्लस वाटर का, ऑयल प्लस वाटर का हमने केस ले लिया। तो हमें ऑयल और वाटर को अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, ना ही जो है समाप्त होगा, ख़त्म होगा। तो ऑयल अलग हो जाएगा हमारा, वाटर अलग हो जाएगा। हम कोई भी इसके लिए मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेपरेशन क्या आएगा, ये हमारा यूनिट ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ऐसे ही हम केस लेते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम निकाल देते हैं बाहर और हमारे पास प्योर लिक्विड आ जाता है। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन है। सेडिमेंटेशन ही, सेडिमेंटेशन भी एक तरीके का ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का तरीका है। इसमें जो हमारी डिजॉल्व अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं तली में, ये सेडिमेंटेशन होता है। अगर हम जैसे पानी, रेत या मटमैला पानी ले लें तो थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। क्या कीजिए, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटेशन। सो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है और ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी यूनिट ऑपरेशन पे आती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें और भी इसको आगे पढ़ेंगे। मास ट्रांसफ़र में हमारी बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस आएंगे, जैसे हमारा एब्जॉर्प्शन है, एक्सट्रैक्शन है, एडजॉर्प्शन है, ड्राइंग है, डिस्टिलेशन है। इनको हम अलग नई अलग वीडियोज़ में ठीक से अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ना हम समझ के यूनिट प्रोसेस क्या है। जब भी अगर किसी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो हमारी यूनिट प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। जैसे ऑक्सीडेशन है, नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन है, या जो है हमारा हाइड्रोजिनेशन है जैसे। तो यह यहाँ पर हम इसको जो है यूनिट प्रोसेस के अंदर रखेंगे, जहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। नो, हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में यूनिट ऑपरेशन जो है वो अलग अलग फाइव कैटेगरीज में हमारे रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूड फ्लो प्रोसेस में। तो फ्लूड फ्लो प्रोसेस में हमारा फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिल्ट्रेशन आएगा, सॉलिड फ्लूडाइजेशन आएगा। जब भी फ्लूड अपनी फ्लोइंग
कंडीशंस पे है। तो जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उस केस में जो हमारी यूनिट ऑपरेशन होते हैं वो हमारे फ्लूड फ्लो प्रोसेस के यूनिट ऑपरेशन है, जैसे कि हमारा फिल्ट्रेशन है एंड सॉलिड फ्लूडाइजेशन है, फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारे यूनिट ऑपरेशन आएंगे। सेकंड हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। सो हीट ट्रांसफ़र के केस में हमारा क्या आएगा, इवोपरेशन आएगा, हीट एक्सचेंज आएगा। अब हीट एक्सचेंज में क्या होगा कि मान लीजिए हमने जो है एक सॉलिड यूज़ किया और उससे कनेक्ट किया उसको एक लिक्विड से, तो क्या होगा कि और ये सॉलिड को हमने हीटअप किया तो हीट जो है वो लिक्विड तक जाएगी बाई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जिसको हम आराम से बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो है एक तरीके का यूनिट ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है बट हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो हीट एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर। और इवोपरेशन तो का एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अपना फेज चेंज हो रहा है। तो जब भी फेज चेंज होगा तो वो यूनिट ऑपरेशन में होगा। अब जैसे लेटेंट हीट का यूज़ करके वाटर जो है हमारा फेज चेंज कर लेगा लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म पे, तो हमारा इवोपरेशन होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र के अंदर एब्जॉर्प्शन है, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एंड ड्राइंग, इनको हम बाद में एलिब्रेट करेंगे अच्छे से, इसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे। एंड देन जो है थर्मोकैनमिक्स। थर्मोकैनमिक्स में क्या होगा, गैस लिक्विफिकेशन, रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन का केस लें तो हम जो भी कूलेंट यूज कर रहे हैं उसका उसको वो क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, अगेन फिर लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, और ऐसी उसकी साइकिल चलती रहती है। उसका वो उसमें केवल लीकेज हो सकती है बट वो दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं होता, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज होता रहता है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये जो है हमारा थर्मोकैनमिक्स के अंदर यूनिट ऑपरेशन के अंदर आएगा। एंड फाइनली मैकेनिकल ऑपरेशन। सो मैकेनिकल ऑपरेशन इंक्लूडिंग सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन, क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग। जब भी हम बात सॉलिड की करेंगे तो मैकेनिकल ऑपरेशन में आएगा, अगर हम फ्लूड की बात करेंगे तो फ्लूड फ्लो ऑपरेशन में आएगा। तो सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन में जैसे अब जो है हमारे पास सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वो जो है एक यूनिट ऑपरेशन है एक तरीके से। एंड क्रशिंग है, जैसे हमारे पास बड़े सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हमने उनको जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया, तो ये हमारा क्रशिंग हो गया, तो ये भी यूनिट ऑपरेशन के अंदर आएगा। स्क्रीनिंग है, जैसे तो जैसे अब स्क्रीन में क्या है कि हमारे पास अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं, हमें इनको सेपरेट करना है, बड़े साइज़ के अलग, छोटे साइज़ के अलग, उससे छोटे साइज़ के अलग, उससे छोटे साइज़ के अलग, सबको अलग अलग करना है हमारे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए स्क्रीनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम जो है स्क्रीनिंग का यूज़ करेंगे, और ये हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर आएगा। ओके तो ये मेनली जो यूनिट ऑपरेशंस हैं उनको फाइव जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और ओवरऑल केमिकल इंजीनियरिंग में हम इसी पे फोकस करते हैं, इन्हीं यूनिट ऑपरेशंस को हम स्टडी करते हैं ओवरऑल 4 साल के जो कैरिकुलम है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का उसको, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात हो गई यूनिट ऑपरेशन की और यूनिट प्रोसेस की। एंड नेक्स्ट के लेक्चर में हम जो है बात करेंगे मोल्स की, पार्टिकल्स की, डेंसिटी की, इन चीज़ों की, ताकि हम जो है इसको समझ सकें कि नेक्स्ट जैसे यूनिट ऑपरेशंस को करने के लिए, जैसे अब हम कोई भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल से हम फाइनली प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट ऑपरेशन भी यूज होंगी, यूनिट प्रोसेस भी होगी। तो यूनिट ऑपरेशन को करने के लिए पहले यूनिट प्रोसेसेस भी की जाएंगी, ताकि हमें अवेलेबल पर्टिकुलरली हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिल सके। तो इसलिए हम उसको स्टडी करेंगे कि हम कैसे उसको यूनिटिफाई करेंगे, मोल्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एंड डेंसिटी वगैरह उसको अंडरस्टैंड करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसको समझेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक्स।